हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप के सातवें मुकाबले के बारे में, जो कि खेला जाएगा नामीबिया वर्सेस नीदरलैंड्स के बीच में। ग्रुप ए का ये मुकाबला है, तो ये सातवां मुकाबला है इस वर्ल्ड कप का, जो कि खेला जाएगा शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में 20 अक्टूबर को 3:30 बजे से। और पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैटर्स के लिए काफ़ी अच्छी एक वेन्यू मानी गई है ये, और रन्स थोड़े से अच्छे यहाँ पे बन सकते हैं। 150 के आसपास की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। चेजिंग टीम को यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट होता है। दोनों ही मुकाबले अभी जो यहाँ पे हुए थे वो चेजिंग टीम्स ने ही विन किए हैं। एक 13 ओवर में विन किया था और एक 15 ओवर में विन किया था। तो इस वेन्यू पर चेजिंग काफ़ी ईजी होता है और रन्स भी बनने की काफ़ी उम्मीदें होती हैं, यानी कि बैट्समैन को काफी फायदा होगा। बात करते हैं यहाँ पे हेड टू हेड स्टैट्स की, तो दोनों टीमों ने आपस में 3 मुकाबले खेले हैं। नीदरलैंड्स ने 2 मैचेस को जीता है और नामीबिया ने 1 मैच को जीता है। फेवरेट जो रहेगी वो इस मैच में नीदरलैंड्स की टीम रहने वाली है। नामीबिया की टीम की पहले बात करते हैं, जो कि वीकर साइड है। नामीबिया की तरफ से स्टेफन बार्ड ओपन करेंगे जेन ग्रीन के साथ, जिसमें बार्ड का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 25 का बैटिंग एवरेज होल्ड करते हैं। रिसेंटली स्कोर देखें तो 50% मैचेस में स्कोरिंग 20 के आसपास की इनकी रहती है, तो फिर भी आप इनसे थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं। जेन ग्रीन जो है वो बहुत ही कम चलते हैं, लगभग कह सकते हैं 3-4 मैच में एक आध बार चल पाते हैं। हालांकि विकेटकीपर बैट्समैन है और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, इसलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं विकेट कीपिंग में। सो जेन ग्रीन के साथ आप जा सकते हैं, बैटिंग का चांस रहेगा इनके पास। फिर बात करें क्रेग विलियम्स की, तो ये अपनी टीम के अभी सबसे बढ़िया बैट्समैन है, क्योंकि इनका फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है। बैटिंग एवरेज 28 का है, पिछले मैच में 29 रन की पारी खेली, उसके पहले 3 बैक टू बैक 50 हैं इस फॉर्मेट में, तो इनसे काफ़ी उम्मीद है आप कर सकते हैं। टॉप रेटेड बैट्समैन बोल सकते हैं इस टीम का क्रेग विलियम्स को, तो इनको आपको लेना है। फिर आते हैं गेरहार्ड एरास्मस, 21 का बैटिंग एवरेज है इनका। मोस्ट कॉमन इनकी अगर आप बैटिंग देखेंगे तो 50% मैचेज में 20 के आसपास की स्कोरिंग कर देते हैं। बहुत इफेक्टिव तो नहीं है, पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर लेते हैं, तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रेग विलियम्स की है। फिर एरास्मस और बार्ड की इंपॉर्टेंस है। डेविड वीस काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइनअप में, 23 का बैटिंग एवरेज होल्ड करते हैं, हालांकि बैटिंग में बहुत ज्यादा रन नहीं है इस सीजन, यानी कि अगर आप रीसेंट फॉर्म इनका देखें टी20s में तो उतना इंपॉर्टेंट पिक शायद आपको ना लगे, बट बॉलिंग में ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। कभी कभी डेथ के आसपास पूरे ओवर्स डालते हैं अपने, और बॉलिंग में आप देखें तो फॉर्म भी ठीक ठाक लग रही है। कुछ टूर्नामेंट जो बीच में खेले उसमें काफी अच्छा इन्होंने करा है, तो डेविड वीस ओवरऑल आपको टीम में पिक करने चाहिए। इसके बाद जेजे स्मिथ आते हैं, 21 का बैटिंग एवरेज होल्ड करते हैं। इनकी बैटिंग इनिंग्स अगर आप देखें तो काफी मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी आई हुई है, साथ साथ बॉलिंग में भी इनका फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है। इनकी जितने भी मैचेस खेले हैं लगभग 80-85% मैच में इनको विकेटें मिली हैं। लास्ट मैच में एक ही ओवर कराया था, बट आगे और भी ओवर कराते अगर मैच बचता तो, बट मैच ही यहाँ पे बचा नहीं था, वरना ये थोड़े बहुत ओवर्स और कराते और विकेट तो इनको मिल ही जाती है, तो इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं जैन फ्राइलिंग, अपनी टीम के टॉप बॉलर हैं ये, हालांकि पिछले मैच में विकेटलेस गए थे, बट इनकी इंपॉर्टेंस काफी रहेगी, खास करके अगर फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो फ्राइलिंग को आपको टीम में लेना चाहिए। रीसेंट फॉर्म इनका काफी अच्छा चल रहा है, पिछले मैच को छोड़ दे तो उसके पहले हर बार इनको विकेट मिली है। पिछले लगातार 6 मैचेस से विकेट, 7 मैचेस से विकेट निकाल रहे थे, बट लास्ट मैच में विकेटलेस गए क्योंकि कंप्लीट बॉलिंग हो नहीं पाई थी। फिर आते हैं लॉफ्टी ईटान, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है ये, और बैटिंग एवरेज इनका 20 का है, 14 मैच में 173 है, आखिरी मैच में 3 रन इन्होंने लगाए हैं। इसके बाद रूबेन ट्रम्पल मैन आते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं ये, 6 मैच 6 इनिंग 9 विकेटें हैं। रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो टीम में काफ़ी बेहतर फॉर्म है, बॉलिंग में अगर आप देखें तो पिछले 6-7 मैचेस से लगातार विकेटें ये लेके जा रहे हैं, तो ठीक ठाक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आप पिक करना चाहें, लेफ्टी फास्ट बॉलर है। इसके बाद आते हैं पिकी या फ्रांस से, राइट हैंडेड बैट्समैन है, बॉलिंग बहुत कम करते हैं, 1-2 ओवर करते हुए आपको देख जाएंगे, बैटिंग में भी कोई खास रिकॉर्ड्स नहीं है। फिर आते हैं बर्नार्ड स्कॉल्स, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, ये भी अपनी टीम के सबसे अच्छे बॉलर माने जाते हैं, 101 इनिंग में 120 विकेटों के आसपास इनके पास हैं, और रीसेंट फॉर्म आप देखें तो लगभग 80% मैचेस में इनको विकेटें मिली हैं, तो टीम के लिए अगर आप देखें तो एक अच्छे स्पिनर की भूमिका निभा रहे हैं स्कॉल्स, तो आप इनको टीम में ले सकते हैं। एक्स्ट्राज में इनके पास कारी बर्किनस्टॉक हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं ये, 39 का बैटिंग एवरेज है इनका, और गेंदबाजी कर लेते हैं, बट कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं नीदरलैंड की टीम की, जो कि इंपॉर्टेंट टीम है, जो कि स्ट्रॉन्ग टीम है, तो इस टीम पे ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए। बेन कूपर ओपन करेंगे मैक्सो डाउट के साथ, जिसमें बेन कूपर का अगर आप लास्ट मैच का रनआउट देखें, आई थिंक रनआउट ही थे, सो वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट के साथ हुआ था, वरना मैं आपको बता दूं बेन कूपर काफ़ी बढ़िया खेलते हैं, और अगर आप उनके 6-7 मैचेस उठा के देखेंगे तो लगभग मान के चलिए 75% मैचेस में स्कोरिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है। अगर आप पिछले 4 मैच भी उठाएंगे तो उसमें 250+ स्कोर है, तो ये मत सोचिएगा पिछले मैच में बेन कूपर 0 पे आउट हुए थे, ये सोचिएगा क्योंकि
रिकॉर्ड जो है वो मैच नहीं करते उस स्कोर से, यानी कि इस मैच में काफी उम्मीद है कि बेन कूपर अच्छा बड़ा स्कोर लगा सकते हैं, तो इग्नोर मत कीजिएगा, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और क्षमता है इनमें रन लगाने की, तो आपको लेने चाहिए। मैक्स डाउट की बात करें तो टीम में काफी बढ़िया फॉर्म चल रहा है इनका और पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर लेते हैं, सो आपको इनको टीम में लेना चाहिए। पिछले मैच में 50 लगाए इन्होंने और अभी रिसेंटली एक 100 भी इन्होंने लगाया था, अगर आप पिछले 4-5 मैच उठा के देखें इनके तो 133 का स्कोर भी है इनका T20 में, तो मैक्स डाउट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बेन कूपर भी इंपॉर्टेंट है, चीज का ध्यान रखिए। नंबर 3 पे आएंगे बास डिलीट, थोड़े से कम मैचेस खेले, बास डिलीट ने 22 का बैटिंग एवरेज है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जितने इंपॉर्टेंट बेन कूपर मैक्स डाउट है, क्योंकि बेन कूपर मैक्स डाउट के पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है जो कि बास डिलीट के पास नहीं है। नंबर 4 पे कॉलिन एकरमन आपको देखेंगे, कोई खास फॉर्म में नहीं देखे, पिछले मैच में काफी स्ट्रगल कर रहे थे और बॉलिंग में भी कोई खास प्रेसिव नहीं लगे, बट फिर भी बैटिंग पोजीशन अच्छा है तो आप इनको ग्रैंड लीग की टीम्स में ट्राई कर सकते हैं और अगर थोड़ी हिम्मत है तो आप स्मॉल लीग की टीम में भी इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वाइज देखें तो अकरमन के पास काफी अपॉर्चुनिटीज होती हैं और द 100 टूर्नामेंट में ये काफी बढ़िया खेले भी थे, आप देखें द 100 टूर्नामेंट में काफी मैचेस में बॉलिंग भी कराई थी और रन भी बना रहे थे। इसके बाद रियान टेन डुशाटे आते हैं, टीम के सबसे बढ़िया हिटर हैं, 29 का बैटिंग एवरेज है, रिसेंट फॉर्म देखे तो बैटिंग में फॉर्म उतना खास नहीं चल रहा, बट इनसे काफ़ी उम्मीदें होती हैं जब ये खेलते हैं अपनी टीम से, सो ये आपके लिए ग्रैंड लीग प्लेयर का काम कर सकते हैं, अगर आप मल्टीपल टीम से किन्हीं प्लेयर्स को रोटेट करना चाहें तो रियान टेन डुशाटे उनमें से एक हो सकते हैं, अगर फर्स्ट बैटिंग करें तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर आते हैं स्कॉट एडवर्ड्स, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है स्कॉट एडवर्ड्स की, अगर आप देखें रिसेंट टाइम्स में तो मोस्ट ऑफ द मैचेस में फ्लॉप ही रहे हैं, लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए थे, विकेट कीपर बैट्समैन है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ विकेट कीपिंग सेक्शन में कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं है, एक स्कॉट एडवर्ड्स है जो आपको 6-7 के आसपास बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं और दूसरी तरफ जैन ग्रीन है जो टीम के लिए ओपन करेंगे, तो जैन ग्रीन के साथ चले जाइएगा, स्कॉट एडवर्ड्स की बैटिंग आने के चांस थोड़े से फिर भी कम है। रॉयल वंदर मर्वे की बात करते हैं, टीम के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं ये, काफी टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते रहते हैं तो एक्सपीरियंस इनके पास काफी है, अभी 100 में भी काफी बढ़िया खेले थे, बैटिंग भी कर सकते हैं टाइम आने पे और बॉलर तो काफी अच्छे हैं, पिछले मैच में जरूर विकेट लेस गए थे बट आपको इनको इस टीम में लेना चाहिए और अपनी फैंटेसी टीम में कंसीडर करना चाहिए, इवन वाइस कप्तानी के भी एक ठीक ठाक ऑप्शन होंगे। इसके बाद आते हैं पीटर सीलर, थोड़ा सा बैटिंग में डाउन आते हैं बट बैटिंग फॉर्म इनका काफी अच्छा है, अगर आप इनके स्कोर्स देखें तो मोस्ट ऑफ द मैच में स्कोरिंग 20 के आसपास तक तो ले ही जाते हैं, अगर बैटिंग इनकी आ जाएगी तो 20 रन तो लगा ही देंगे, प्लस बॉलिंग में भी एक आध विकेट की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं, बट बॉलिंग में इनका फॉर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। फिर आते हैं लोगन वान बीक, जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं, हिटिंग कर सकते हैं और डेथ गेंदबाज हैं टीम के, 104 मैच में 102 विकेटें हैं, विकेटें थोड़ी सी कम है इनकी बट बंचे से विकेटें लेके जाते हैं, आपको इनको लेना चाहिए, अगर आप इनके 8-10 मैच उठा के देखेंगे तो मुश्किल से 2 मैच में ये विकेटलेस मिलेंगे, सक्सेस रेट अच्छा है, लगभग 80% मैच में विकेट निकाल के आपको देंगे। फिर आते हैं फ्रेड क्लासिन, ये भी डेथ में गेंदबाजी करते हैं लोगन वान बीक के साथ, रिसेंट फॉर्म इनका काफी तगड़ा है, 62 इनिंग में 68 विकेटें इनके नाम पे हैं और पिछले लगभग 6-7 मैच में 2 बार विकेट लेस गए, तो फिर भी अगर फॉर्म देखे तो फ्रेड क्लासिन और लोगन वान बीक आपको लेने चाहिए, क्योंकि एक तो स्ट्रॉन्ग टीम का हिस्सा है, दूसरे दोनों का फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है, 80% सक्सेस रेट है इनका। फिर आते हैं ब्रेंडन ग्लेवर, मैं आपको बता दूं ग्लेवर ने जो है 2019 में जब एक मैच खेला गया था अपोजिशन टीम के खिलाफ, यानी कि जैसे आप देख रहे हैं ग्लेवर जो है वो नीदरलैंड के प्लेयर हैं, जब इन्होंने खेला था नामीबिया के खिलाफ 2019 में एक मैच में मुझे याद है, तो उसमें इन्होंने 3 विकेट लेके गए थे, ठीक है, तो ब्रेंडन ग्लेवर जो है राइट आर्म फास्ट बॉलर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लेवर भी डेथ में गेंदबाजी कर सकते हैं और फ्रेड क्लासिन इन्होंने भी उस मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, 3 विकेट आई थिंक लिए थे ग्लेवर ने और 2 लिए थे क्लासिन ने, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस काफी रहेगी। पीटर सीलर उस मैच में विकेटलेस गए थे, एक मैच है देख लीजिएगा 2019 का, ज्यादा हेड टू हेड रिकॉर्ड इनके है नहीं इसलिए मैंने मेंशन नहीं करे, एक बार आप बस स्कोर कार्ड देख लीजिएगा 2019 का जो इनके बीच में मुकाबला हुआ था, बाकी उसके बाद तो फिर 2013-15 के मैचेस है वो कोई काम के नहीं है, 2019 वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक्स्ट्राज में इनके पास पॉल वैन मीकर्क है, टिम वंदर गप्टेन है और स्टीफन माइबर्ग है, ठीक है, ये 3 प्लेयर इनके पास एक्स्ट्रा में है, जिसमें माइबर्ग अभी वार्म अप मैचेस में काफी अच्छा कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उनको खेलने का मौका नहीं मिला, अगर टीम खिलाती है तो बास भी लीड की जगह पे खिला सकती है, स्टीफन माइबर्ग काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और टिम वंदर गुक्टेन और पॉल वैन मीकर्क में अगर आप देखें तो टिम वंदर गुक्टेन एक्सपीरियंस के मामले में थोड़ा आगे निकल जाएंगे, मीकर्क का रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो अगर ये खेलते तो इनके स्टैट भी आपके सामने है। सो गाइज ये गई बात दोनों टीमों के स्टैट्स की जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं, अब हम बात करेंगे हमारे ड्रीम 11 और फैन टू प्ले टीम की, तो जल्दी से ड्रीम 11 ऐप को आप ओपन कर लीजिए अपने डिवाइस पे, तो चलते हैं यहाँ पे नामीबिया वर्सेस नीदरलैंड वाले मैच पे, सो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, माय टीम्स में जाता हूँ और टीम ओपन करता हूँ, तो ये है मेरी टीम जिसमें मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में जेन ग्रीन को टीम में पिक कर रखा है, आप चाहें तो एडवर्ड्स को भी ले सकते हैं, ग्रीन के साथ एडवांटेज है कि ओपन करेंगे, अब ओपन करते टाइम अगर 10-15 रन भी बना देते हैं तो आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि
एस एडवर्ड्स का कोई भरोसा नहीं है, 6-7 पे बैटिंग करते हैं, हो सकता है बैटिंग ना भी आए क्योंकि उनकी टीम काफी स्ट्रांग है, तो जैन ग्रीन ही आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन होंगे। हो सकता है एडवर्ड्स विकेट कीपिंग से ज्यादा पॉइंट निकाल दे, बट उतना हम रिस्क ले सकते हैं। इसके बाद बैटिंग सेक्शन में बात करें तो मैं बी कूपर के साथ जा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे पिछले मैच में 0 पे आउट हो गए बी कूपर, आप क्यों जा रहे हैं, बट वही है कि बी कूपर का जो ओवरऑल रिकॉर्ड है वो काफी सही है। पिछले मैच में जरूर अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, बट इस मैच में मैं इनसे अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं और ये प्लेयर जो है ये आपको क्लीन स्वीप करवा सकता है। सीधी सी बात है, एक मैच के बेस पर हम टीम नहीं बनाते, हम पूरे एक्सपीरियंस बेस पर टीम बनाते हैं। तो बेन कूपर को आपको लेना चाहिए और साथ साथ आपको मैक्स ओडाउट को भी टीम में पिक करना चाहिए। मेरे तो इवन कप्तान भी मैक्स ओडाउट इस मैच में है, फिर देखते हैं मैच डे पे क्या करते हैं। अभी तो फिलहाल मुझे मैक्स ओडाउट ही सबसे बड़ी ऑप्शन लगे कप्तानी के। मैंने सी विलियम्स को भी टीम में लिया है जो अपनी टीम के सबसे बेहतर बैट्समैन है, जो मैंने अभी आपको बताया इनके स्टैट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। पिछले 4 मैच में 3 इनके 50 प्लस के स्कोर है और एक स्कोर 29 जो पिछले मैच में लगाया था। तो सी विलियम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड लीग में कैप्टन भी कर सकते हैं। इसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने आरवंदर मर्वे को टीम में पिक करा है, पी सीलर को टीम में जगह दी है, डेविड वीस को लिया है और जे स्मिथ को लिया है। फ्राइलिंग भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, अगर फर्स्ट बॉलिंग होगी तो आप फ्राइलिंग को भी एकाध दो टीमों में मल्टीपल टीम्स में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉलिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं और इस टीम से अपनी टीम से बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं फ्राइलिंग, ठीक है। और जस्ट थोड़ा सा नीचे ही आते हैं जे स्मिथ के, तो कोई उतना इशू नहीं है, थोड़ा रोटेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका बॉलिंग सेक्शन में मैंने लिया है नीदरलैंड के प्लस को फेवरेट मान के मैंने टीम बनाई है, तो मैंने लोगन वैन बीक को टीम में पिक करा है, फ्राड क्लासिन को लिया है और ब्रेंडन ग्लोवर को लिया है जिनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है रिसेंटली, और 2019 का जो मैच मैंने आपको बताया था 3 विकेट निकाली थी, तो उसको देखते हुए भी ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कप्तान मैंने मैक्स ओडाउट को रखा है, वाइस कप्तान मैंने आरवंदर मर्वे को रखा है। आप टीम मेरी देख सकते हैं, मेरे हिसाब से ये टीम चल सकती है। वाइस कप्तान आप अपना खुद से रखिएगा, बेन कूपर आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है, पीटर सीलर एक काफी अच्छी ऑप्शन है और ग्लोवर को भी आप चाहें तो वाइस कप्तान कर सकते हैं। तो ये है मेरी ड्रीम 11 की टीम। अब हम चलते हैं फैन टू प्ले एप्लीकेशन पे और वहां पे देख लेते हैं क्या टीम आपकी बन सकती है। बट एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप फैन टू प्ले पे खेल रहे हैं तो लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट खेलना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर हफ्ते आपके लिए कुछ प्राइजेस आते रहते हैं लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट में, सो उसको आपको ज्वाइन कैसे करना है मैं आपको बता दूं। जो भी वर्ल्ड कप का मुकाबला होता है उसमें एंटर कीजिए, उस मैच को ओपन कीजिए, सबसे ऊपर आपको देखेगा लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट, वहां पे लिखा रहेगा सबसे ऊपर जो कॉन्टेस्ट है लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट लिखा रहेगा, उस कॉन्टेस्ट को आपको 20 टीमों के साथ ज्वाइन करना है। मैक्सिमम आप 20 टीमें लगा सकते हैं, तो 20 टीमों के साथ उसको ज्वाइन कीजिए। आपकी जो भी टीम सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगी, जिसके पॉइंट सबसे हाई होंगे 20 पॉइंट में, वो टीम जो है वो लीडर बोर्ड के लिए जाएगी। और लीडर बोर्ड में आपको पता है हर वीक आपको प्राइजेस मिल रहे हैं, जिसमें आपको बाइक मिल रही है, आपको वायरलेस ईयरफोन्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपको वॉचेस वगैरह मिल रही है, तो काफी ज्यादा एडवांटेज है। तो उसको मौके को मिस मत कीजिए, वो एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल रही हैं, तो ध्यान से खेलिए, हर मैच खेलिए और हर मैच को 20 टीमों के साथ खेलिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छी खासी रैंक्स पे लैंड करेंगे। अभी मेरी भी रैंक देखेंगे तो 50 के अंदर चल रही है, टॉप 50 में चल रहा हूं, जबकि इतने सारे यूजर हैं फैन टू प्ले पे। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 20 टीम बना देता हूं और ज्वाइन कर देता हूं। मैं तो इतना दिमाग नहीं लगा पाता क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको टीम देता हूं, मेरा मेन फोकस तो आपको टीम देने पे होता है। जब मैं 50 रैंक पे आ सकता हूं बिना कुछ किए, तो आप लोग के पास तो काफी टाइम है, तो बिल्कुल ट्राई कीजिए फैन टू प्ले पे। लीडर बोर्ड का हर कॉन्टेस्ट आपको खेलना है, ठीक है। लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट खेलेंगे तो अच्छे रैंक्स मिलेंगे, तो एक्स्ट्रा प्राइस जैसे बाइक्स वगैरह ये आपकी हो सकती है फैन टू प्ले पे। तो जिन्होंने रजिस्टर नहीं करा फैन टू प्ले एप्लीकेशन पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने फैन टू प्ले एप्लीकेशन का, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। रेफर कोड में आपको FX लगाना है, जैसे आप FX कोड लगा के साइन अप करेंगे फैंटेसी एक्सप्रेस में, F और X ये कोड लगाएंगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा, फ्री एंट्रीज मिलेंगी, डिपॉजिट ऑफर टाइमली आपको मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ गिव अवेज वगैरह जो भी होता रहता है। तो जब भी आप साइन अप करें रेफर कोड में FX लगा लें, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, जल्दी से साइन अप कर लीजिए और एक बार टीम देख लीजिए। यहाँ पे आप 2 बैट्समैन और 2 बॉलर के साथ भी टीम बना सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ग्रैंडली वगैरह खेलते हैं तो आप कुछ कॉम्बिनेशन अलग भी ट्राई कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। टीम ओपन करते हैं, सबसे पहले मेरे पास विकेट कीपिंग सेक्शन में जेन ग्रीन है जिनके साथ मैं जाऊंगा। बैटिंग सेक्शन में मैंने क्रैग विलियम्स को लिया है, बेन कूपर को लिया है, मैक्स ओडाउट को लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में पीटर सीलर मेरी टीम में है, जे जे स्मिथ है, डेविड वीज है और आरवंदर मर्वे है, ठीक है, तो ये मेरी टीम है। बॉलिंग सेक्शन में लोगन वैन बीक है, फ्रेड क्लासिन है और ब्रेंडन ग्लोवर है। कैप्टन मेरे मैक्स ओडाउट है, पिछले मैच का परफॉर्मेंस और रीसेंट फॉर्म देखें तो ठीक ठाक ऑप्शन होंगे कप्तानी के, और बैटिंग को भी वेन्यू थोड़ा सपोर्ट करेगा तो आप कप्तान बना सकते हैं। वाइस कप्तान मैंने मर्वे को बनाया है जो 4 ओवर कंप्लीट डालेंगे अपने स्पिन के, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, काफी टूर्नामेंट्स खेल के आए हैं और टाइम आने पर थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो सीलर को भी वाइस कप्तान कर सकते हैं। तो ये मेरी है फैन टू प्ले की टीम जिसके साथ मैं जा सकता हूं। अगर आप फैन टू प्ले पे चैलेंज फैंटेसी खेल रहे हैं तो वहां पे मैं आपको बता दूं
दो तीन चार प्लेयर की आप टीम बना पाते हैं। जैसे कि आपको पता है आपको फैन टू प्ले जो है दो ऑप्शन देती है, एक क्लासिक फैंटेसी जिसमें आप 11 प्लेयर की टीम बना के खेलते हैं और एक चैलेंज फैंटेसी जिसमें आप दो तीन चार प्लेयर की टीम बना के खेलते हैं। तो सिंपल है, दो तीन चार प्लेयर की टीम में आपको सिर्फ दो तीन चार प्लेयर लेकर टीम बनानी है और क्लासिक में 11 प्लेयर से टीम बनानी है, ठीक है। वहां कॉम्पिटिशन बहुत कम है, लोग यहाँ पे चैलेंज फैंटेसी बहुत ज्यादा खेलते हैं क्योंकि सिंपल सा है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ दो दो तीन तीन प्लेयर्स पे फोकस करना है दोनों टीमों के, आपको पता है, ठीक है। तो वो टीम आप प्लेयर्स को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, आपको बस स्टैट्स देखने, जो स्टैट्स मैं आपको बता दूं उन स्टैट्स पे नजर डालिए, आप अच्छे से टीम खुद की बना पाएंगे। कैप्टन रखिए उसमें और अपनी खुद की एंट्री फिर डिसाइड कर लीजिए, और कुछ नहीं करना है, सीधा सा देखो दूसरा भी कॉन्टेस्ट बने तो उसको ज्वाइन कर लो या फिर खुद का भी अलग से कॉन्टेस्ट बना सकते हो, ठीक है। सो गाइज अब वीडियो करते हैं खत्म। जिन लोगों ने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया हमें, ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साइड में आपको स्क्रीनशॉट भी दिख रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल का। सो इस चैनल को आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है क्योंकि लाइनअप के टाइम पे आपको टीम जो मिलेगी, अपडेटेड टीम जो मिलेगी, जो हम चेंज करके कभी कभी देते हैं, तो वो टेलीग्राम पे मिलने वाली है। कहीं और मैं आपको अपडेट दे नहीं पाऊंगा तो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो आपको मेरी फाइनल टीम पता चल जाएगी और आप वर्ल्ड कप की हमारी टीम बेस्ट चल रही है, ये चीज का आप अंदाजा लगा सकते हैं पिछले मैचेस की टीमें देख के। तो अगर आपको कुछ विन करना है फैंटेसी फील्ड में तो फैंटेसी एक्सप्रेस चैनल आपके लिए है, टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कीजिए और लाइनअप के टाइम वेट कीजिए फाइनल टीम्स का। तब तक के लिए बाय बाय।